नमस्कार, सावित्री की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावित्री की रसोई में बनेंगे आज कोकोनट मलाई मावा लड्डू। तो उसके लिए मैंने 3 कप जो बुरादा होता है नारियल का, वो हमने लिया है। आपके पास हो ना हो तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं। तो हमने 3 कप ये नारियल का बुरादा ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे शुगर पाउडर, यानी घर में पीस के शक्कर का पाउडर। तो देखिए 3 कप हो गया है। मैंने ये ताज़ी शक्कर पीसी है, आपके पास पीसी रखी हो तो उसे देख लें, उसमें कहीं गांठे ना पड़े, गुठलियाँ ना हो, तो इसलिए हम तुरंत पीस के इसे डाल देंगे। तुरंत पीसने से क्या होता है, इसमें रोटी नहीं होती है। तो मैंने 1 कप भर के ये लिया है शक्कर का। आपके पास यदि ये नहीं है बूरा हो तो आप बूरा भी ले सकते हैं। मैंने उसमें 2-3 चम्मच शक्कर बचा भी ली है, छोड़ दिए। अब हमने लिए हैं इलायची, हम इलायची डाल देंगे। कुटी हुई इलायची मैं एक साथ रख लेती हूँ। अभी दीपावली का त्यौहार आने वाला है तो मिठाइयाँ घर में रोज ही बन रही हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स क्रिस करके रख लिए हैं। पहले मैंने इसमें बादाम डाला है, अब मैंने काजू, और इसमें बादाम और काजू जो मैंने क्रिस करके रखा था वो इसमें डाल दिया है। ये थोड़ी सी मैंने केसर दूध में भिगोई 1 चम्मच दूध में, तो वो एक साइड में रख दिया। अब हमने लिया है इधर मावा। आपको मावा ना लेना हो तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, और मैंने इसमें 100 ग्राम मावा लिया है। हम जब भी मावा लें, मार्केट का मावा हो, तो आप थोड़ा सा उसमें घी डाल के उसे गर्म कर लें ताकि हमारे लड्डुओं की सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। हमने अब थोड़ा मावा उससे बचा लिया था, ये 2 या 3 चम्मच मावा होगा, उसमें फूड कलर थोड़ा सा 1 पिंच डाला है, और 1 पिंच से भी कम तो मैंने उसमें डाल दिया। और हमने इसमें डाल देंगे जो हमें शक्कर पीस के रखी है, तो वो शक्कर डाल दी है 2 चम्मच, और इसे भी मैं मिक्स करके और मीठा कम किया है। इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स कर लिया है मैंने, तो ये कलर हो गया है। अब इसको हम मिक्स करने के बाद साइड से रख देंगे। देखिए आप कितना अच्छा कलर भी आया है इसमें, तो इसे हम रखेंगे साइड में। अब हमारे नारियल का जो बुरादा है और इसमें मैंने शक्कर डाली है, खोया डाला है, तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। देखिए हमने मिक्स भी कर लिया है, इसमें कोई भी रोरी नहीं रहनी चाहिए। आपको ऐसी रोरी दिखती है तो आप इसे मैश कर दें ताकि कोई भी रोरी ना रहे। अब हमने ली है दूध, ताज़ी दूध की मलाई है, जो हमारे घर में सभी के घर में दूध आता है। मेरे घर में फैलूस मिल्क आता है, तो मैंने उसी की मलाई ली है जो दूध के ऊपर हो जाती है। तो हमने पहले 3 से 4 चम्मच इसमें हम मलाई डाल देंगे। अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से, हाथ से मिक्स करना है हमें ताकि हमारा अच्छे से ये तैयार हो जाए। अब मैंने इसमें मिक्स किया है, मलाई भी पूरी डाल दी है, और मैंने इसमें 1/2 कप शक्कर और डाल दी थी क्योंकि मुझे मीठा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें 1/2 कप शक्कर और डाली। आप ये समझ लें मैंने इसमें 200 ग्राम शक्कर डाल दी है। अच्छी हमें पीसना है बारीकी से, और हम देखते हैं, हम लड्डू बना के देखना है यदि अच्छे से बनते हैं तो सही है। इसका मोवन इसमें जो मैंने मलाई के लगाया, आपको मलाई के ना लगाना हो तो आप इसे दूध का भी लगा सकते हैं। तो देखिए लड्डू हमारा परफेक्ट बन गया है, तो इसलिए हमें इसमें और डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने थोड़ा सा पोर्शन और लिया है। मैं 2 तरह के लड्डू बनाऊंगी, एक प्लेन और एक में जो मावा मैंने कलरफुल करके रखा है तो मैं उसे बनाऊंगी। जो प्लेन लड्डू है आप इसमें किशमिश भी रख सकते हैं या और कोई ड्राई फ्रूट्स। किशमिश मैंने इसलिए नहीं रखा कि मैंने मलाई और मावा डाला है तो उससे किशमिश जल्दी ख़राब करती है क्योंकि वो खट्टी होती है। तो इस तरह मैंने पूरे लड्डू बना के रख लिए हैं। 1 लड्डू कलर वाले हैं जिसमें मावा वाले, 1 हैं प्लेन नारियल के लड्डू। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, तो इससे मैं लड्डुओं में टीका लगा दूंगी, देखने में अच्छे लगते हैं। और तो मैंने देखी पूरे में ऐसे ही लगा दिया है, और 2 प्लेट में अलग अलग लड्डू रखे हैं क्योंकि 1 प्लेन है और 1 मावा मिक्स है जिसमें मावा है कलरफुल। तो मैंने इसलिए 2 प्लेट में अलग अलग लड्डू रखे हैं। आप 2 तरह के बनाना चाहें तो आप 2 तरह के बना लें, और 1 ही तरह के बनाना चाहें तो आप 1 तरह के बना लें। स्वाद एक ही होगा, उसमें मावा है 1 बिना मावा के, आपको जो भी पसंद हो
तो आप उसको बना सकते हैं। और मैंने एक केसर ली है, तो मेरे पास केसर थी, मैंने इसमें केसर ऑप्शनल है वो भी लगा दिए। केसर मेरे पास छोटी थी, उसकी जो उसमें रेशे होते हैं वो छोटे छोटे थे, लेकिन कलर उसका अच्छा आता है, इसलिए मैंने केसर भी लगा दिए। तो प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें। साइड में बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दें। देखिए लड्डू नरम है, सॉफ्ट है, अच्छे। आप दीपावली के लिए लड्डू बनाइए, मिठाइयाँ तरह तरह की जो मैं आपके साथ शेयर बराबर करती हूँ। आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साइड में बेल आइकन है, देखिए ये लड्डू कितना बढ़िया, हाथ से तोड़ने से तुरंत टूट जाता, बिना पाक का है, बिना चाशनी का है। तो आप इसे फ्रिज में रखिए, ये फ्रिज में रखने से आप इसे 4 से 5 दिन ये ख़राब नहीं होगा आपका, और के दीपावली अच्छी सी होगी। हैप्पी दिवाली।